चेकिंग के नाम पर पुलिस कर रही वसूली। बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदैनिया, गौरव सोनी, शिवम वर्मा, सचिन वर्मा, कमल सिंह, आयुष गौतम, प्रदीप राठौर, अमित कुशवाहा, सोनू यादव, प्रमोद पाटकर, हिमांशु, सुधांशु वर्मा, अंकित कुशवाहा, रोहित झा, रूपेश सरदार, नरोत्तम व्यास, कन्हैया गोस्वामी, अवनीश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर कैलिया पुलिस के खिलाफ घंटों जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ के नाम एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकुर कौशिक को सौंप कर बताया है कि घटना बीती 10 जुलाई की रात्रि लगभग 12 बजे की है, जहां पर दीपक प्रजापति, सुमित पांडे समतर से अपनी बहन को छोड़कर कोच आ रहे थे। तभी पीपरी चौराहे पर जगनपुरा चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह ने उक्त दोनों से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने अपनी बात बताई तो चौकी इंचार्ज ने उक्त दोनों से 500 रुपए की मांग की। रुपया न देने पर गाली गलौज एवं मारपीट की तथा मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और मोटरसाइकिल नंबर UP92AF6172 को सीज कर दिया, जिस पर उक्त दोनों पैदल अपने घर आए। बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदैनिया ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। ये परसों रात्रि समतर से दो कार्यकर्ता अपने भाभी को छोड़ के आ रहे थे। 12 बजे पीपरी तहराया पर अभिषेक सिंह जगनपुरा चौकी इंचार्ज चेकिंग लगाए थे, जो भी लगाए वो कार्यकर्ताओं को रोका, साथ में मारपीट की। उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता है, तो उनका मोबाइल तोड़ दिया, उठा के गाड़ी सीज कर दी। दोनों कार्यकर्ता रात्रि 12 बजे अकेले एकाध हालत में पहुंचाए पैदल। उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, इसका जिम्मेदार कौन होता, इस संबंध में लेके हम लोग पुलिस महानिर्देशक को ज्ञापन संबोधित करेंगे क्षेत्र अधिकारी महोदय द्वारा। क्या कागज आगज नहीं लिए थे? गाड़ी के कागज थे, डॉक्यूमेंट से दिखाया, लेकिन डॉक्यूमेंट से नहीं माने। उनको 500 रुपए का खर्रा चाहिए था जब गाड़ी छोड़ते हुए। तो अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों की मांगे नहीं होंगी पूरी, हमारी गाड़ी नहीं छूटेगी, अभिषेक सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग रोड और सड़कों पर उतर के आंदोलन भी करेंगे।